लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है। वहीं अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने अपनी और एक और घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम उन्होंने वचन पत्र रखा है। घोषणा पत्र कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व मंत्री ललित भाटी, पूर्व विधायक गोपाल बाहेती और रिजु झुनझुनवाला के भाई ने प्रेस वार्ता करके जारी किया। घोषणा पत्र में रोजगार व उद्योग, सिंचाई तथा जल प्रबंधन, औद्योगिक विकास, कौशल विकास, आंतरिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसे 5 मुख्य मुद्दों पर काम करने का वचन दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी और रोजगार के मुद्दों पर काफी फोकस किया। झुनझुनवाला भी अपने प्रचार में इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कि आपको गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी और आपके बिजली के जो दाम बढ़े या घटे उसकी मॉनिटरिंग होगी और बिजली के कनेक्शन कैसे मिले उसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके माने क्या है कि टाटा पावर के ठेके में दखल है? आज सीधा वो कैसे बोल सकते हैं जब ठेके में दिए बीजेपी राज ने और पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए, तो कोर्ट खुलने पड़े तो वो कैसे बोलते हैं? 20 साल के दिए दिया उन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और अजमेर की जनता को, अजमेर की आम आदमी को, अजमेर जिले को इसकी जो मिले अच्छी सर्विस,